हेलो दोस्तों दोस्तों अभी तक आप लोगों ने कंपास यूज़ किया होगा सिर्फ़ और सिर्फ डायरेक्शन को पता करने के लिए, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंपास के मदद से आप अपने फ़ोन में फ़ोटो वीडियो और जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारा कुछ आप स्टोर करके रख सकते हैं। शायद आपको ये सुनने में अजीब लगता होगा, लेकिन आज का ये वीडियो कुछ इसी टॉपिक पर है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप इस कंपास में अपने फ़ोटो वीडियो को सिक्योर रख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको जाना होगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाएंगे तो आपको इस कंपास एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड जैसे आप करेंगे सिंपल आपको इसके ओपन करना है। ओपन करेंगे तो शायद आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ इस सेंटर पर जो ये पॉपअप कर रहा है आपको इस पर क्लिक करके रखना है, होल्ड करना है थोड़ा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर ये फिर से आपको इस पर क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मतलब कि जो आप स्टोर करके रखना चाहते हो उसमें आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली 1 2 3 4 डाल देता हूँ एक बार फिर से आपको कंफर्म करने के लिए। 1 2 3 4 ये आपका पासवर्ड सेट हो गया। अब आपको यहाँ पर अपना कुछ भी आंसर रख सक मतलब कि नाम या फिर कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली नाम ही रख लेता हूँ। लेकिन सेव करने से पहले दोस्तों आपको यहाँ पर अपना कुछ ऐसा निक नेम या फिर बर्थडे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली निक नेम ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका पूरा का पूरा फोल्डर खुल जाएगा। रख सकते हैं वीडियो स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर आपको ऑडियो स्टोर करके रखना है तो भी आप रख सकते हैं, या फिर कोई नोट हो वो भी आप नोट स्टोर करके रख सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर आपको वीडियो स्टोर करके दिखाता हूँ। जो भी आप वीडियो स्टोर करके रखना चाहते हैं अपने फ़ोन में, तो यहाँ पर आपको न्यू वीडियो पे न्यू एल्बम पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक छोटा सा प्लस का आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में जितने भी वीडियोस होंगे वो आपके ओपन हो जाएंगे। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही वीडियो है मेरे फ़ोन में तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वीडियो है वो यहाँ पर प्रॉपरली सेव हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो मैं वीडियो पर क्लिक किया तो आपका ये वीडियो ओपन हो गया है। तो इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी लॉकर रखने की ज़रूरत नहीं है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप कंपास यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई ऐप लॉग यूज़ कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।